नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये दी ललन टॉक की चुनावी यात्रा इस समय यूपी के अयोध्या में है। क्या हाल है यूपी जिसका नाम है, और अयोध्या में बातचीत एक अलग फलक पे हम करने वाले हैं, कारसेवक गोली कांड पर। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में जो कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो एक ऐसी घटना है जिसका बार बार अब योगी आदित्यनाथ भी अपने भाषणों में जिक्र कर जाते हैं। और इस घटना को समझने के कई तरीके हो सकते थे, कई लोग हो सकते थे, कई बातें हो सकती थी, कई जरियों समझा जा सकता था। लेकिन उस दिन के एक कारसेवक जो कहते हैं कि वो उस दिन वहाँ थे गोलीकांड के समय, उन्हें भी खुद की गोलियाँ लगी ऐसा वो बताते हैं, वो एक वॉक थ्रू देंगे हमें इस पूरे घटनास्थल का कि कहाँ क्या कैसे हुआ। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हम उस एक बड़ी घटना को समझ सकें, जान सकें। संतोष जी नाम है सर, आपका पूरा नाम बताएं। संतोष दुबे। तो संतोष जी, अब हम लोग चलते चलते बातचीत करेंगे, ठीक है? क्या करते हैं संतोष जी आप? मैं तो किसान हूँ, मूलतः है। किसान है जी। कहाँ रहते हैं? यही फैजाबाद चौक में भी घर है हमारा, बीकापुर में खेती है हमारी। हाँ जी जी। चलिए अब ये बात करते हैं सर, उस दिन 1990 वाली जो घटना थी उसमें आप भी थे? हाँ बिल्कुल थे। इधर ही से जुलूस जा रहा था, हाँ बिल्कुल, छोटी छावनी से जुलूस निकला था और सब कारसेवकों की इच्छा थी हम रामलला के दर्शन करें। कारसेवकपुरम में नहीं, वो जुलूस जो निकला था वो छोटी छावनी से निकला था। कितने लोग थे उसमें? उसमें 2500-3000 के आसपास लोग थे, लगभग कारसेवक थे। दिन का कितने बज रहे होंगे उस समय? 10-11 के आसपास का समय था। अच्छा। जी ठीक है। हाँ रामलला के दर्शन करने, वो के आह्वान पे गए थे कि ऐसा ही था? कोई किसी का आह्वान नहीं था, पब्लिक का हुजूम था। विश्व हिंदू परिषद ने उस 30 अक्टूबर की घटना के बाद शोक सभा आयोजित की थी, जो हमको वहाँ जाने नहीं दिया गया था, कुछ हिंसा की गई थी। तो इसलिए जो लोग इकट्ठा थे, पूरे देश विदेश से लोग आए थे, लोगों में आक्रोश था। तो एक जुलूस 2500-3000 कह सकते हैं कि संख्या में लोग निकले, और उसकी शुरुआत तो पहले भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया, लेकिन बाद में ये तपसी जी की छावनी आते आते ये भाजपा के लोग चले गए, वापस चले गए। अब कारसेवकों के साथ हम लोग भी निकले, चल रहे थे। तो उस समय तक रितंबरा जी भी, उमा भारती जी भी थी, और भी तमाम लोग थे, सब दिगंबर अखाड़े तक आए। अच्छा, मतलब एक सेकंड मैं आपको अगर क्लियर कर लूं कि आपका कहने का मतलब है भाजपा और विहिप के लोग थे, लेकिन वो तपस्वी जी की छावनी से चले गए, वापस चले गए। केवल कारसेवक बचे यहाँ पे? सेवक बचे कुछ, बड़े नेता यहाँ रितंबरा जी आई थी यहाँ तक। रितंबरा जो मथुरा वाली है? हाँ मथुरा वाली, वो यहाँ तक आई थी दिगंबर अखाड़े तक। दिगंबर अखाड़े के बाद वो रुक गई, परमहंस जी ने रोक लिया, जी यही रुक गई। हाँ दिगंबर अखाड़े पर वो रुक गई, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते गए। यहाँ पे इसमें क्या था, कंस्ट्रक्शन वगैरह इतना हुआ था उस समय? नहीं नहीं, तब इतना कुछ नहीं था। उसके बाद ये सब निर्माण हुआ। पहले तो कैसा था यहाँ पे उस समय का? अयोध्या का जो मूल स्वरूप होना चाहिए था, तीर्थ धाम का जो होना चाहिए, उस तरह का था। यहाँ भजनानंदी लोग रहते थे, झुग्गी झोपड़ियाँ भी थीं, अच्छे मकान अच्छे मंदिर तब भी थे। अब थोड़ा ये जो सब निर्माण देख रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग है ये बन रही है, तब ये ऐसा कुछ नहीं था। आगे ये सब लोग झुग्गी झोपड़ी वाले थे, अब धीरे धीरे लोगों ने निर्माण कराया। अयोध्या के विगत जो 30 वर्षों में अयोध्या के प्रति लोगों का झुकाव लगाव बढ़ा, तो उसके साथ साथ लोगों ने व्यवसाय में यहाँ बढ़ोतरी की, तो ये दुकानें वगैरह बन गई, अन्यथा तो जीर्ण शीर्ण अयोध्या दिखाई देती थी। बात करते करते दिगंबर आश्रम अखाड़ा आ गए हैं, तो यहाँ पर साध्वी रितंबरा को और उमा जी को रोक लिया गया? हाँ उमा जी और रितंबरा जी दोनों लोग। परमहंस जी को, परमहंस जी ने रोका था? हाँ बात करने लगे, उन्होंने कहा रुकिए, बात करने लगे, लेकिन हम लोग अपना आगे चले गए। अच्छा। वो कारसेवकों का जुनून था, उसमें भरतपुर के कुछ लोग आए थे, भरतपुर राजस्थान के लोग थे। अच्छा, मथुरा के बगल में? मथुरा के बगल, और ऐसे ही कुछ और जो कारसेवक थे, जो सबकी इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें। अब जब जो होगा होगा, पहले तो हम रामलला के दर्शन करें, सबकी इच्छा थी यही, और इसीलिए लोग जा रहे थे। कोई किसी का कोई इंटेंशन ये नहीं था
कि हमें कोई कारसेवा करनी है, कोई आंदोलन करना है, एक सत्याग्रह था मान लीजिए उसको, कि केवल दर्शन। लेकिन सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ बार बार, उसमें एक चीज़ तो थी ना सर, इतना सेंसिटिव इलाका तो था ही तब से, तो पुलिस वुलिस के लिए भी सेंसिटिव रहा होगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। हाँ, कि अगर लोग 100-250 लोग दर्शन करने जाएं दूसरी बात है, 3-4 हज़ार लोग एक साथ दर्शन करने जाएं तो दूसरी बात है। जब इतना सेंसिटिव इलाका पहले रहा और मूर्ति उर्ति रखने रखने के सारे कांड हो चुके थे, ताला खोलने के, हाँ तो सेंसिटिव तो हो ही गया होगा उस समय। बिल्कुल सेंसिटिव था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पुलिस का इतना इंतजाम था कि पूरी अयोध्या पुलिस से भरी पड़ी थी। तो जब लगभग 50,000 पुलिस बल के जवान थे यहाँ, वो सब आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, इतने लोग थे, तो ये 3-4 हज़ार लोग वहाँ जाके क्या करते हैं। तो ऐसी कंपनियाँ थी पुलिस की? पुलिस की नहीं, CRPF BSF थी यहाँ उस समय। अच्छा। सब भरे पड़े थे, तो ये जी 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 3-4 हज़ार लोग। यहाँ जो गोली चली है यहाँ से आप लोग गुजर रहे थे? मैं चाह रहा हूँ कि सिक्वेंशली रहे बातचीत, तो लोगों कनेक्ट भी कर सकेंगे। तो सारी चीज़ें पुरानी थी, 2,500-3,000 लोग इसी सड़क से, एकदम सड़क एकदम अटी पड़ी होगी ना। जी, जी, जी। और आप लोग नारा वारा लगा रहे होंगे अपना? नारा वही था, रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अच्छा, ये आप का जो पुराना नारा है, कोई उसमें नया नहीं था, कोई हिंसात्मक भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा था, पूरी तरह वही आंदोलन में जो विनम्रता से बात कही जाती है वही सब चल रहा था। कहीं दूर तक ये भाव किसी के मन में नहीं था कि क्या होने वाला और हम क्या करने जा रहे हैं। हम तो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, हम लोगों का विश्वास था कि अभी दर्शन करा के सबको दूसरे रास्ते से वापस कर देंगे, ये थोड़ी पता था कि गोली चला देंगे ये। अच्छा, आप लोग यहाँ पहुँचने वाले थे, ये इलाके भी यहाँ तक आ गए थे? लाल कोठी कहाँ पड़ती है? ये आगे लाल कोठी है। अच्छा, आइए जी। हाँ, लाल कोठी मतलब ये जो सामने जो बाएं तरफ रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो सब निर्माण हो गया है, हालांकि अभी भी रेड ही है, वो निर्माण लाल रंग में ही है, तब ये लाल कोठी थी, लाल रंग की ही थी। तो यहाँ ज्यादा लोग मरे पड़े थे, इसलिए पुलिस ऊपर छतों पर जाता था। अभी लिखा मिल जाएगा आपको, देखिए लिखा हुआ है, ये लाल कोठी कहा जाता था इसको। हाँ हाँ, इसमें तमाम गोलियां मौजूद था। हाँ मौजूद था, मूल रूप में था। हाँ। जी आप लोग कहाँ तक आ चुके थे? यहाँ तक आ चुके थे? हाँ हम लोग यहाँ थे, इस जगह पे थे। जी जी मैं यही था। अच्छा, तब जो गोलियां चलने की, इस छत पर लोग थे पुलिस वाले। ये क्या था उस समय? ये अब तो खंडहर हो गया, तब छत थी उसके ऊपर, डॉट की छत थी, एक पंडा जी हैं उन्हीं का है ये। तो इस पर पुलिस वाले चढ़े थे, इस पर थे, इस गली में थे, कुछ सामने से थे, सड़क पे थे। हाँ। अच्छा, इधर सड़क पे पुलिस वाले थे, इस पे थे जी। अच्छा। और कुछ इस गली में थे, इस गली में। हाँ, तीन जगह से पुलिस वाले थे। अच्छा। और जब गोली चलाना शुरू कर दिया वहीं से भाग कर, कौन कौन था वहाँ पे टीम में, किसको पहचानते थे पुलिस की टीम में? अब वो कुछ SP यहाँ सुभाष जोशी हुआ करते थे, SSP थे यहाँ के जी, ठीक है, वो यहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे, भुल्लर साहब कौन थे? वो कोई KS भुल्लर था, JS भुल्लर, IPS अधिकारी था, वो इंडो तिब्बत सीमा जो है उसका अधिकारी, ITBP का था। उसी ने ही ललकारा लोगों को, उसने कहा मारो सालों को, ये मानने वाले नहीं है, ये वहाँ जाना चाहते हैं और हमें शासन का आदेश है, नहीं जाने देंगे, गोली चलाओ। इससे मैं सुनने वाला हूँ। उसके बाद खड़े थे बुल्लर यहीं खड़े थे, यहीं पर बुल्लर, हाँ बुल्लर यहीं खड़े थे, उनके साथ करीब 50 पुलिस वाले, उनकी अपनी कंपनी के सब इसमें गली में थे, और कुछ इस पर CRPF के लोग खड़े हो गए थे उसमें, सब एक वो हाँ राइफलें थी, SLR थी, कार्बाइन थी, सबके हाथों में असलहे थे, कोई खाली नहीं था। JS भुल्लर ने स्वयं राइफल छीन ली, SLR छीन ली सिपाही की, खुद चलाया उसने गोली, उसने खुद चलाया। और यही ये वो जगह है जहाँ शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी दोनों भाई मारे गए थे, कोठारी बंधुओं की जो मौत का मामला। हमारे नगर के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय महेंद्र भाटी जी, खूब बढ़िया है, भी जानते हैं जी। हाँ, कोठारी बंधुओं की फोटो मैंने ही खींची थी, कोठारी बंधुओं वाली जी, इसी जगह पे गोली लगी थी, और उनके दोनों भाई राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, 2 नवंबर 1990 को गोली लगी थी। इनकी फोटो भी लगाई गई है ना, उस समय हम प्रेस फोटोग्राफर हुआ करते थे। हाँ। और आज हम प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष हैं। हाँ। लेकिन वो दोनों भाई चूँकि रामधुन करते जा रहे थे तो गोली यहीं लगी थी, और इसी जगह पे वो शहीद हो गए थे, क्योंकि उनकी पहचान हुई थी कि वो कोलकाता के हैं,
खैलात घोष लेन है कोलकाता में, बड़ा बाज़ार है, गणेश टाकीज के पास के वो रहने वाले थे। तो मैं उनसे पहले उन लोगों से बातचीत कर चुका था गोली लगने से पहले, तब हमने उनके घर को सूचना दिया था, उनके घर वाले जो आए थे। गोली लगने वाले आपने बातचीत कर चुके थे? हाँ हाँ हाँ, तभी तो हमें पता चला कि कोलकाता के हैं। फोटोग्राफर थे, प्रेस फोटोग्राफर आप? प्रेस फोटोग्राफर थे सर। अखबार के लिए होंगे उस समय? हाँ, उस समय हम दैनिक जागरण, दैनिक आज और यहाँ तमाम अखबारों में हाँ करते थे हम। तो वो घटना मेरे ही सामने थी, और ये यही रोड भी है, इसको जो है शहीद गली बोलते हैं, और लाल गली बोला जाता है, लाल कोठी देखिए लिखा भी है। ये लाल कोठी नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ खून से ही पूरी दीवारें लाल लाल हो गई थी। अच्छा, पहले क्या नाम था इसका? पहले तो जो भी नाम रहा हो, लेकिन उस घटना के बाद से इस मोहल्ले का नाम लाल कोठी, यानी वो लाल कोठी इसलिए कि कार सबको खून से लाल लाल हो गई थी। और यहाँ पे ये बात भैया बता रहे हैं कि जीएस भुल्लर यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे थे कि मारो गोली मारो। ये भुल्लर जो थे, भुल्लर तो जो है सीआरपीएफ के कोई वो जो थे कमांडर थे, और उनकी भी फोटो हमने खींची थी। और लेकिन चूंकि ये पता चला था कि गोली ये चलवा रहे थे, तो हमने नीचे लिखा भी था कि कार सेवकों का हत्यारा भुल्लर, और उसकी फ़ोटो में काफ़ी वायरल की थी हमने। तो ये संतोष दुबे जी भी उस समय कार सेवा में थे, और इन्होंने भी काफ़ी विरोध आवाज़ उठाया था। सामने पुलिस लगी हुई थी इधर, ये हनुमानगढ़ी चौराहा है, यहाँ पे लाशों की पूरी बौछार थी, क्योंकि यही सी रोड से ही रामधुन करते वो लोग जा रहे थे। हाँ, मंदिर जाना था, चूँकि वो 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहले वो लोग गए थे, तो रामलला का जो सब गुंबद था ऊपर वाला, उस पर वो लोग उन्होंने विजय पताका फहराया था। तो बड़े मस्जिद के गुंबद से ऊपर जब वो विजय पताका फहरा के आए थे, तभी मेरी मुलाकात हुई थी, और तभी मैंने उनका पूरा पता था नोट कर लिया था, चूँकि काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे। कोठारी पहले सबसे पहले जाके वहाँ पे फहरा वहरा के आ चुके थे 30 अक्टूबर 1990, और 2 नवंबर को जब दोबारा रामधुन करते इसी रोड से जा रहे थे, तब यहाँ उनको गोली लगी थी। उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन इतने लाखों कार सेवक यहाँ आ गए थे कि उनकी जो डायलॉग थे वो ध्वस्त हो गए, और उनको जो भी एक्शन लेना पड़ा वो सामने ही आया। ये गोलियाँ चलवाए, आदेश दिए, हेलीकॉप्टर से भी तमाम अधिकारी ऊपर से उसका कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, वाच कर रहे थे, सेना के सारे जवान। लेकिन वो दृश्य भगवान न करें किसी को देखने को मिले। क्या सीन था यहाँ पे, मतलब कितने देर तक चली हुई गोलीबारी, कितना बज रहा था उस समय? ये सुबह का वक्त था, जो है मुझे लगता है कि 10-11 बजे रहे होंगे, 10-10.30 के आसपास, 10:30 के आसपास फायरिंग शुरू हुई। कितने देर तक चली फायरिंग? मुझे लगता है आधे घंटे चली है, घंटे चली है, और यहीं नहीं चली है, यहाँ पे चली है, राम जन्मभूमि परिसर के पीछे चली है, और उसके बाद फिर तमाम कार सेवक, ये सरयू पुल है उस पर इकट्ठा थे, तो वहाँ भी चली है। तो आपने अगर उस समय फ़ोटो देखी होगी कि सरयू पुल पे तमाम जूते चप्पल पड़े हैं, और कार सेवक भाग रहे हैं, तो काफ़ी कार सेवक जो है सरयू की नदी में डूब के मर गए, गोंडा की तरफ, बस्ती की तरफ, जो उसको हाँ। लेकिन इतना ज़्यादा रस था कि वो लोग सरयू पे ही कूद गए। बाद में उनकी लाशें निकली तो बिल्कुल उस तरह से सड़ गई हुई, केवल हड्डियाँ निकली थी। तो ये संतोष दुबे, उन हड्डी शुदा जो लाशों का था, उनको इन लोगों ने दफनाया था। कितने राउंड यहाँ पे कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? अब राउंड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बस यही गोलियाँ चल रही हैं, क्योंकि हम तो इन्हीं छतों पे भी कूद कूद के फ़ोटो खींच रहे थे, अपनी भी जान बचा रहे थे। फ़ोटो भी खींच रहे थे छतों पे ही खड़े होकर के, चूँकि ये गोली तो किसी को पहचानती नहीं है कि आप प्रेस पत्रकार हो क्या हो, लेकिन अपनी जान बचाते हुए किए थे। लेकिन जब हम यहाँ से फ़ोटो खींचते हुए पहुँच गए थे विवादित परिसर के पीछे, तो हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, लोगों ने बताया कि इसमें मुलायम सिंह है, तो हमने कहा लाओ फ़ोटो खींच लें, तो उस हेलीकॉप्टर का भी फ़ोटो खींचा था। लेकिन हमारे अगल बगल 2 कारसेवकों को गोली लग गई, तो वो मेरे सामने ही दम तोड़ चुके थे, और मैं भी डर गया, तो मैं नीचे लेट गया, तो मुझे लोग मरा हुआ समझ के मुझे भी उठा करके एक पुलिस की गाड़ी में फेंकने जा रहे थे। मैंने कहा मैं जिंदा हूँ, तब उन्होंने कहा बेटा ये सब पत्रकारिता मत करो, जल्दी जान बचाओ, भागो। तो फिर वहाँ से मैं अपने कैमरा वैमरा लेके फिर मैं आ गया, फिर फ़ोटो वोटो बन यूज़ करते थे उस समय, वो SI पेंटेक्स जी, हमारे पास वो सब कुछ है, लेकिन अब बस यही है कि अब जहाँ आप मिले हैं, हम कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो सब हमारे पास। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं कोठारी बंदूक गिरे हुए जी। क्या प्रोटेस्ट किया, कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, क्या करना, क्या विरोध करते, विरोध करने कोई, हम लोग कोई हथियार लेकर तो आए नहीं थे, हम लोग तो खाली यहाँ थे, हम लोगों का बहुत पवित्र उद्देश्य था, कोई हम झगड़ा करने आए होते तो हमको गोली मार देते, इतना आसान थोड़ी था।
ये तो हम लोगों का भाव था कि हम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और कहीं किसी ने एक ईंट एक पत्थर नहीं मारा पुलिस पर, कहीं कोई हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, हम गोलियां खाते रहे, राम नाम के नारे लगाते रहे। इस समय यानी केवल केवल कारसेवक यहाँ पे थे, कोई नेता नहीं था विहिप का न भाजपा का, कोई नेता उनके साथ नहीं था और सपा की सरकार में गोलियां चल रही थी। गोलियां चली हैं सपा, उस समय तो जनता दल हुआ करता था ये, हाँ तो गोलियां उन्होंने चलाई। दुखद ये है ना कि किसी नेता को नहीं गोली लगी, गोलियां हम जैसे लोगों ने खाई। तो दुखद तो सर गोलियां किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, लगना चाहिए था ना। आज तो आप सत्ता का आनंद ले रहे हो, जरा उन परिवारों से पूछिए जिनके बेटे चले गए, उनके बारे में तो पूछो। लोग कितने लोगों की लाशें यहाँ पे होंगी सर? अब हमारी जानकारी में तो यहाँ 250-300 लोग मरे गए थे, 250-300 लोग मरे थे जी। बताते आपको भी गोली लगी? चार गोलियाँ लगी थी मुझे, एक तो यहाँ लगी है, ये देख रहे नहीं है ये, हाँ ग्रेज कर गई थी, हाँ यहाँ स्पार हो गई थी, दूसरी ये लगी इस पर लगी, यहाँ आके अटक गई थी, तीसरी सीने में लगी उस पार चली गई, चौथी ये गोली लगी थी हाथ में, ये आके अटक गई थी। अच्छा, तो हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, हम लोगों को तो पीड़ा है। अच्छा दुख ये है कि इतनी बड़ी घटना में जो लोग शहीद हुए, जो शहीद हुए, जो बलिदान जिन्होंने दिया, अपने जीवन को जिन्होंने उत्सर्ग किया, उनके परिजनों को पूछा नहीं गया, उनके परिजनों को जाने दीजिए वो कुछ बोलेगी नहीं, चौंक रही है, उनके परिजनों को पूछा तक नहीं गया। और दुखद यह है कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए, तो उन्होंने जिसने जीवन भर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रोड़ा लगाया था, उस इकबाल अंसारी को अपना अतिथि बनाया था, उसको बुलाया था, हाशिम अंसारी के बेटे को इकबाल अंसारी को बुलाया था। तो आपकी पवित्रता को हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या है, जाओ तुम्हारी जो इच्छा करो, राम विमुख का साल तुम्हारा रहा, कुल रोवन हारा, कोई रह नहीं जाएगा। ये इन्होंने अधर्म किया, पाप किया, यहाँ के जो मृतक कारसेवक हैं उनके परिजनों को बुलाना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था आपको। ठीक है, वो सब बातें हो जाएंगी। आपको कैसे यहाँ से आपको अस्पताल कौन ले गया, क्या हुआ आपको? जो अस्पताल आप बता रहे थे आप वहीं गिरे हुए थे वहाँ पे इस कोने पे जी, कुछ महिलाएं लेकर गईं, एक रविशंकर पांडे जी हैं, वो इस समय संजोग से आज ही अयोध्या में नहीं है, चले गए अपने बेटे के पास, हमने बात भी किया था, वो होते तो मैं मिलवाता, वही हमको पहलवान बड़े अच्छे अच्छे खासी शरीर वाले, वही हमको उठा करके यहाँ से अपनी पीठ पर लाद कर पीछे से अस्पताल ले गए थे। और पूरी अयोध्या के जो हमको जाने सभी जानने वाले लोग हैं, सभी लोग हमारे साथ गए वहाँ, डॉक्टरों ने कहा हम इनको बचा नहीं सकते, इनको ले जाइए यहाँ से लखनऊ, फिर हमको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से हमको उन्होंने लखनऊ भेज दिया, फिर हमको कहाँ ले गए, हमको होश हवास नहीं था, फिर फिलहाल रात्रि में 2 बजे के आसपास हमको वहाँ से वापस लाया गया, एक गुप्त स्थान पर रखा गया, तो मैं उस समय आ गया था, इसका मतलब है मुझे लखनऊ ले जाया गया, वहाँ मैं लगा कि खतरे से बाहर हूँ, तो मुझे वहाँ से फिर मुक्त कर दिया गया। मैं यहाँ मैंने दवा इलाज अपना कराया, जो जब ठीक ठाक हुए तो फिर हम अयोध्या आए ये देखने के लिए इस घटना चक्र में कितने लोग और हमारे साथी मारे गए। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे रमेश पांडे जी और वासुदेव गुप्ता, दोनों की मौत हो चुकी थी हाँ उसी गोलीकांड में। रमेश पांडे इसी यहीं बगल में रहते हैं और वासुदेव गुप्ता नए घाट पर रहते हैं, उन दोनों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह राजेंद्र धरिकार था, पीछे रहता था, वो हम लोगों के पास बहुत आता जाता था, उसकी भी मौत हो चुकी थी, यहीं गोलीकांड में वो सब मारे गए थे। तो ये बाद में सब जानकारी और मिली, 30 अक्टूबर की जो घटना थी उसमें भी गोलियां चलाई गई थी, उसमें भी पता तो उस समय भी लग गया था क्योंकि 30 अक्टूबर को हम लोग थे ही, लेकिन उसमें मरने की पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि 30 अक्टूबर को भी लोग सरयू पुल से, जैसा अभी आपने सुना कि सरयू पुल से जब इधर से गोलियां चलानी शुरू हुई तो सरयू पुल से लोग कूद गए, भाग नहीं पाए, उधर से पुलिस इधर से पुलिस, तो बहुत से लोग जो गोलियों से मरे मरे, अन्यथा तो लोग नदी में जो कूद गए वो डूब कर मर गए, जो रेत में गिरे वो बच गए, हाथ पाँव टूट गया, ये हुआ था उस दिन का यह घटना चक्र 30 अक्टूबर 2 नवंबर का था। लेकिन मूलतः जो गोलीकांड हुआ था जिसमें सैकड़ों से अधिक लोग मारे गए थे वो यहीं का घटनाक्रम था, वो 2 नवंबर का घटनाक्रम था। 2 नवंबर का घटना
21 अक्टूबर और 2 नवंबर मिला जुलाकर। अच्छा, आप बता रहे हैं 250-300 लाशें गिरी हुई थी और आज सरकार का काउंट है, सुनते हैं कि 18-16 के आसपास है उनका। वो तो यही बताते हैं ना, वो तो अभी कुंभ में जब भगदड़ मची थी तो बता रहे थे कि 38 लोग मरे, बाद में जानकारी मिली 500 लोग मर गए, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, पोल खुली थी, तो ये सब जब स्टेशन पे भगदड़ मची थी, स्टेशन पे जब भगदड़ मची थी आजम खान जब उस समय आजम खान जब मेला हाँ इस्तीफा दिए थे, इस्तीफा क्या दिए थे, मेला अधिकारी मेला मंत्री के पद से इस्तीफा दिए प्रभारी से। तो ये होता है, ये जो सत्ता में बैठा रहता है वो करता है। ये योगी तो इसको बड़ा भुना रहे हैं योगी आदित्यनाथ इसको। अब देखिए, भुनाने पूरी भारतीय जनता पार्टी भुनाती ही तो रही इतने दिनों। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप किसी एक नाम को बताइए, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, उनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी भारतीय जनता पार्टी समूह, संघ समूह, उसका कोई एक आदमी एक डंडा किसी को लगा हो, एक डंडा लगा हो। मैं तो 3 बार रासुका में जेल रहा हूँ, साल साल भर जेल में रहा हूँ इस कांड में। कोई एक नाम बताइए कि जो विश्व हिंदू परिषद का हो, संघ परिवार का हो, संघ समूह का हो, जो सत्ता समूह में आजकल परिवर्तित हो गया है, इसका कोई एक व्यक्ति आप जानते हो बताइए जो कार सेवा में मारा गया हो। ये लोग आपस में आरोप का खेल खेल रहे हैं, मतलब आपका गेम है ये, और मुलायम सिंह मिलकर खेलते रहे, कभी आप सत्ता लीजिए कभी हम लें, आप प्रदेश की सत्ता लीजिए हम केंद्र की सत्ता लें, आज भी सब मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुलायम सिंह को 3.5 साल यूपी में चीफ मिनिस्टर बनाए रखा। ये कहाँ, ये राष्ट्रवाद की सब बातें, ये भौकाल है, ये भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तो आपने सुना था। भारतीय जनता पार्टी ने 4था काल जोड़ दिया, भौकाल। कुछ नहीं करना है, केवल न्यूज़ चैनलों के सामने उनका अपना जो आजकल नया शब्द लोग कहते हैं ना, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो वो अपना उनका तमाम चैनल समूह भी है उसमें वो बोलते रहते हैं। सर, आप तो उस बाबरी मस्जिद विध्वंस 92 वाले केस में भी आप आरोपी भी रहे हैं। जी हाँ, सीबीआई कोर्ट में चला है केस, सीबीआई ने मुलजिम बनाया था उनको, हम उसका आरोपी है, मैं मुख्य आरोपी हूँ, सबसे ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर लगा, तो मुझे क्या, सब सीबीआई ने 17 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए थे। आरोप क्या क्या, कितने, 17 केस थे आपके ऊपर, और 6 दिसंबर को कहाँ थे आप? 6 दिसंबर को ढांचा तोड़ने में थे, तोड़ा मैंने, क्या गुनाह किया? अरे बिल्कुल ऊपर था मैं, ये मानते, अरे मानते नहीं, मैंने किया है, जरा इसको और जोर से दिखाइएगा, मैंने तोड़ा है भाई ढांचे को। फिर भी बरी कैसे हो गए? अरे बरी काहे नहीं हो जाते, मंदिर हमारा था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला कर दिया था। दो केस थे ना, एक, अरे दो नहीं, 4 हो, 16 केस हो। टाइटल सूट था, एक टाइटल सूट था, और एक था ये, एक था क्रिमिनल केस था सीबीआई कोर्ट वाला। प्रश्न है कि इस देश में पहले बाबर आया कि राम आए, आप वही बता दीजिए। मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दो केस चले, एक टाइटल सूट चला जिसका 2019 से फैसला, किसी केस के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस देश में पहले बाबर था या भगवान राम थे, इसे तो दुनिया जानती है कि राम थे, तो राम का मंदिर था, बाबर ने तोड़ा था और तोड़ करके एक विवादित स्ट्रक्चर बनाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप मस्जिद के ऊपर खड़े थे, गुम्बद के ऊपर थे, बिल्कुल थे, मस्जिद नहीं, विवादित स्थल। अच्छा, आप उसको विवादित स्थल कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोग विवादित ढांचा कहते हैं और उसको लोग मस्जिद कहते हैं, आप ढांचा कहते हैं। देखिए, जब जिसे सुप्रीम कोर्ट नहीं मान्यता दे रहा है कि वो मस्जिद थी, तो हम कैसे दे दें? ठीक है, चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उस दिन क्या हुआ था, 6 दिसंबर को आप क्या कर रहे थे, उस दिन का घटनाक्रम बताइए। इसके लिए जब यहाँ हमको गोली लगी, तो गोली इसीलिए लगी थी ना, मारी इसीलिए गई थी कि राम मंदिर के लिए गोली खाई थी हमने, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग केवल सत्ता का गेम प्लान कर रहे हैं, इनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, भूल से भी राम मंदिर की बात नहीं करेंगे, ये केवल शब्दों में है और शब्द भ्रम फैला रहे हैं, शब्द ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने एक टीम तैयार की, एक बहुत बड़े संत मिला करते थे ब्रह्मचारी जी, नारायण नारायण कहते थे, बड़े दिव्य संत थे, उन्होंने हमको योजना बताई कि 5,000 लोगों को तैयार करो जो अपने खून से लिख कर दें कि हम राम मंदिर चाहते हैं। इस तरह से ये बवाल की बातें करना नहीं, जो ईमानदारी से कहें राम मंदिर चाहते हैं, हम अपना खून देंगे। तो हमने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 29-30 जिलों में घूम घूम करके ऐसे लगभग 5,000 लोगों की टीम तैयार की, जिसमें से करीब 2,000 महिलाएँ और 3,000 पुरुष थे, सब तैयार थे, पूरी तैयारी हो गई थी, 1.5 साल मेहनत किया गया था। 6 दिसंबर से पहले हम लोगों को ये पता लग गया, एक महीना पहले ही 6 दिसंबर की घोषणा हो गई थी, हम लोगों ने तैयारी की कि हम सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। उन दिनों
यह योजना थी कि कोई खाली हाथ नहीं आएगा, तो इसमें हमें बड़े एक बड़े क्या खाली हाथ नहीं आ रहा था, क्या हाथ में क्या होना चाहिए था सेवा करने के लिए। खाली हाथ जाएंगे तो जैसे 2 नवंबर को यहाँ हुआ था वैसे ही फिर होगा। तो कार सेवा के लिए जाएं तो हाथ में तलवारें हों, त्रिशूल हों, गैंती हो, तोड़ने के लिए बड़े बड़े घन हों, सब्बल हों, ये पूरी तैयारी करके गए थे। तो आप चाहेंगे तो हम आपको फोटो मंगवा के देखें, देखिए किस तरह तोड़ा गया था। शब्दों आइए कि मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं, अखबारों ने छापा था, मैंने नहीं छपवाया। और ये तय हुआ था कि कोई भी फोटो लेने न पावे, क्योंकि उस समय जो विदेशी मीडिया था वो कार्यसेवकों को उग्रवादी तक कहता था, हिंदू आक्रांता कहता था। अच्छा ठीक है, मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप गुंबद पे ऊपर थे जी, थे और आप लोग की तैयारी थी कि आप बिल्कुल तोड़ने के लिए गए थे। और यही केस चला कि क्रिमिनल कंस्पिरेंसी थी कि नहीं, यही तो मतलब आप लोगों ने तय किया कि मस्जिद तोड़नी है उस दिन। हम तोड़ने गए थे भाई, तोड़ने गए थे। अच्छा, मतलब ये उमा भारती और बाकी लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग ये क्यों कहते हैं कि कार सेवक उनकी बात नहीं सुन रहे थे? वो क्या कहते हैं उनका विषय वो जाने ना, मेरा विषय मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनसे अलग हैं एकदम। हम बिल्कुल, हम लोगों का ये जुनून था कि जिस कार्य के लिए 10 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है हम उसे मुक्त कराएं। एक्सेप्ट किया बताते हैं? बिल्कुल किया है, क्या गुनाह किया? बाकी लोग क्या कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करते? उनसे पूछिए ना, बताएंगे। वो तो कहते थे कांग्रेस ने फंसा दिया। अच्छा, वो सब आदमी, सारे के सारे आरोपी उनका कांग्रेस ने फंसा दिया। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने हमारी मदद की। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस ने ढांचा तोड़वाने में हमें सारी चीजें उपलब्ध कराई। अच्छा, हाँ, कभी पूछिएगा फिर हम आपको इत्मीनान से बता देंगे। हाँ, हमको तो इन्हीं के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी फैजाबाद जिले के, वो प्रभारी मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे सरकार में। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा चलिए आपको ऐसे आदमी से मिला देते हैं, आप मंदिर बनाना चाहते हैं? हमने कहा जी भैया। तो उन्होंने कहा कि कैसे बनाएंगे? हमने कहा पहले ढांचा तोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा चलिए मैं मिलाता हूँ ऐसे आदमी से। उन्होंने हमको ले जाकर मिलाए। और ये तो पूर्व में बहुत चर्चित, सभी लोग यहाँ के लोग जानते हैं। ले गए मुझे अपनी गाड़ी से बिठा कर, ले गए दिल्ली, ले गए रात भर। यहाँ से हम लोग रात में लखनऊ गए, दूसरे दिन हम लोग दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने हमको, नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन लेना पड़ रहा है, यहाँ पीवी नरसिम्हा राव जी से मिलवाया। और मिले आप जी? मिलवाया उन्होंने और सारी बातें हुई। बातों को मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मजबूरी, कसम खाई थी हम लोगों ने। नाम भी लेना मना था लेकिन आपने खोद डाला। अब तो थोड़ी सी बात भी हो जाए और क्या, थोड़ी सी बात भी हो जाए, क्या दिक्कत है? उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने, थोड़ी सी बात हो जाएगा। नहीं, उन्होंने हमसे जब हमारा, मैं दुबला पतला आदमी था, बच्चा ही था उस समय, 23-24 साल उम्र थी, तो मुझे देख के उनको दया आ गई, केवल मूछें हैं और तो शरीर में कुछ है नहीं। लेकिन ब्रह्मदेव जी ने बताया कि साहब ये बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, ये अंदर से सावरकर है, बाहर से जैसा भी दिख रहा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिसको जो चाहिए उपलब्ध करा दीजिएगा। चलते समय उन्होंने 50,000 रुपये की हमें एक गड्डी भी दी, पैक थी, और कहा कि ब्रह्मदत्त जी से आप संपर्क रखिएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, काम करिए, अच्छा काम कर रहे हैं ये तो, अच्छा काम, राम कार्य हो। हम हमारा के शब्द हैं ये शब्द है कालीन भारतीय पीएम जी। मैं, मुझे क्या मालूम था कि किससे मिलाने ले चले। मैं वहाँ गया तो मैं अवाक रह गया कि मुझे तो सब दरवाजे जो बैरियर्स लगे रहते जैसे गाड़ी नंबर देखते सब हट जाते थे। हम अंदर गए, बातचीत हुई, वहाँ चाय पिया, एक गिलास पानी और काजू का खा करके चाय पिया गया और 45 मिनट की मुलाकात थी। वो सारी बातें वहीं हो गई, हम बिल्कुल प्रसन्न। हमारा तो, हमारे जीवन का लक्ष्य इतना था, हमें इससे तैयारी शुरू कर दी। आपने तैयारी शुरू कर दी, हमको सब जो हमने मांगा था सब मिल गया। भले ही हम लोगों ने विश्वास, भले भी ये बात, ये सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन हमें, चूँकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा में थे, हमें भाजपाइयों में विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कब पलटी मार जाएं। तो उन्होंने कहा था आप 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम करिएगा, और हम लोगों ने 17 टीम बनाई और 17 टीमों सबके मुखिया को समझा दिया गया था कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, सब हर हर महादेव का नारा जब लगना शुरू होगा तो सारे लोग टूट पड़ेंगे उधर। वही हुआ, सारे लोगों ने, अब हम लोगों ने 10:15 बजे काम शुरू किया। शिवसेना अभी महाराष्ट्र में आघाड़ी परिषद में कांग्रेस के साथ है,
आप शिवसैनिक रहे हैं? वो जाने, वो उनका विषय है, हम राम मंदिर के लिए हैं, हम कोई पॉलिटिशियन अपने शिवसैनिक तो है ना आप? बिल्कुल हैं, अच्छा है, होना ही चाहिए, भाजपा से तो अच्छे हैं ना, कि जो कहते उन्होंने शिलान्यास करवा दिया, उन्होंने ताला खुलवा दिया, उन्हीं के कार्यकाल में ढांचा ढह गया, ये क्या किए हैं, ये तो केवल बुनाते रहे हैं, अभी बुना रहे हैं आगे भी बुनाते रहेंगे। अभी तो राम जन्मभूमि के जमीन के नाम पे दलाली हो रही है, मंदिरों को तोड़ने की साजिश हो रही है, अभी हमने एक मुकदमा किया राम फकीरे मंदिर विवाद, बहुत चर्चित विवाद था, मंदिर को तोड़ देना चाहते थे, 4 करोड़ रुपए में खरीद लिया, चंपत राय जो यहाँ के मंत्री हैं। ठीक है, वो तो बात सुने हैं हम लोग, कई सारे लोग, ऋषिकेश उपाध्याय से मेरी बात भी हुई इस पर, मेयर का इंटरव्यू भी है, वो आएगा जल्दी। तो एक चीज़ पूछना चाहिए, आप गुंबद पे थे तो गुंबद तो धड़ाके गिर गया था नीचे, कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं गिर गया था, वो कोई कागज की पुड़िया थी क्या, बड़बड़ गिर जाएगा, अरे उसको तोड़ना पड़ा, उस पर हथौड़े चले, घन चले, और हम ही अकेले चलाने वाले नहीं है, फिर 10 लाख पब्लिक थी, हम लोगों को तो नेतृत्व नहीं, कोई विस्फोटक ही, अरे LIO सब फर्जी बोलता है, LIO कौन है, कौन है LIO? कहा गया था विस्फोटक की, विस्फोटक LIO वाले लाए रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है, LIO वालों के पास रहता है सब कुछ, वो सब कुछ। हाँ मैं गिरा था, ढांचे से गिरा था, मैं घायल हुआ था, मैं बुरी तरह घायल था, मैं 22 दिन कोमा में रहा, तो जो किया उस पर कोई अफसोस थोड़े ना है, हम ये नहीं कहेंगे अडवाणी जी की तरह और अटल बिहारी आज काला दिवस है, कोई काला दिवस नहीं, हम बाला साहब ठाकरे के सैनिक हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे सैनिकों ने ढांचा ढाया तो हमें उन पर गर्व है, कोई बोलेगा, भाजपा ही बोलेंगे, ये है नहीं, इनमें हिम्मत नहीं बोल पाएंगे, उन्होंने कहा था। अब ठीक है, देश काल परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक फंडे होते हैं, वो अलग अलग ढंग से अपनाए जाते हैं, पर मैं आज भी शिवसेना में पूर्वांचल का प्रमुख होने के बाद भी मैं अपने एजेंडे पर कायम हूँ, मैं पार्टी में रहूँ न रहूँ, लेकिन मैं बाला साहब का समर्थक हूँ। ट्रस्ट सही काम कर रहा है, राम मंदिर का ट्रस्ट बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, ट्रस्ट में जितने भ्रष्ट हैं वही शामिल हो गए, वो नकली शंकराचार्य है उसमें, वो इलाहाबाद वाला बाबा वासुदेवानंद, ये जो नकली आदमी को रख लिया गया, 400 बीसियों को रख लिया गया, ये ट्रस्ट कैसा, जो के बारे में तो लोग बोलते हैं भाई फिजिक्स के प्रोफेसर थे, अभी वो रहा होगा प्रोफेसर, मुझे मेरे से क्या लेना देना, वो सब वो लुटेरे लोग हैं, वो बाबर की आत्मा इन्हीं लोगों में समाई हुई है, जो जमीन खरीदते हैं, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में लेनी देनी हो जाती है, 5 मिनट में इतना दाम बढ़ जाता है, सरकार इनकी सब बात को दबा देते हैं, लेकिन सच्चाई दबती नहीं, एक ना एक दिन खुल जाती है सच्चाई। तो चंपत राय का रोल अच्छा नहीं है यहाँ कुछ, ये राम जन्मभूमि के नाम पर जो लूट खसोट की जा रही, लोग आस्था से पैसे दे रहे हैं कि आप मंदिर बनाइए, और आप इसको अय्याशी गाह बना रहे हो, अयोध्या को आप तोड़ना चाहते हो, कारसेवकपुरम में इसके पहले 1400 राम शिलाएँ आई थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज की, मैंने अपनी आँखों से देखा था, 37-38 वर्ष से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, मूछे नहीं आई थी तब से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, मैंने उसे आँखों से देखा था, वो राम शिलाएँ कहाँ गई, जिसने बेच खाया वही ट्रस्ट का महामंत्री हो जाता है। चंदे पर भी सवाल उठते हैं, क्यों नहीं उठेंगे, आप चोरी करेंगे तो सवाल तो उठेगा, ये आपको लगता है चोर है या कि चोरी की है, अरे ये ढीठ चोर हैं जो सेंध में बैठकर आल्हा सुना रहे हैं कि हाँ मैंने चोरी किया है, जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। थैंक यू संतोष जी इतना समय देने के लिए, मैंने आपको अगर कष्ट दिया हो तो माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी बातचीत जो थी संतोष जी के साथ, मैं वीडियो एंडिंग कर लूँ बस, हाँ ये पूरी बातचीत जो थी संतोष जी के साथ कई सारे मुद्दों पे थी, कार सेवक गोलीकांड से शुरू हुई तो उस क्रिमिनल कंस्पिरेसी तक चली गई, कथित क्रिमिनल कंस्पिरेसी तक, जिसके तहत 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया और फिर एक राम मंदिर का आंदोलन शुरू होता है, उसका एक पूरा नया फेज शुरू होता है। अब इस पूरे मसले पे कोर्ट का आदेश आ चुका है, आरोपी ही रहे, एक्विट हो गए कई सारे लोग, आरोपों से बरी हो गए, कार सेवक गोलीकांड में क्या क्या हुआ, उस दिन का घटनाक्रम कैसा था क्या था, इस पर भी बातचीत हुई। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ थे जेरी और आयुष, आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।